हमने के गीताश्री दी जब कांग्रेस से संबंध है, लेकिन जब माटी के बात देखले तो माटी खातिर है। अमित दादा जब संबंध जेएमएम से, लेकिन जब माटी के बात है तो माटी खातिर है। भारतीय जनता पार्टी से हमने के पूर्व सांसद रामकाल चौधरी जी, हमने के आदरणीय डॉक्टर नमोदर महतो जी आलसी पार्टी से, तो सबसे पहला बात माटी के लगे पार्टी के बात ना करवे। लेकिन जब अपनी पार्टी में है कि अगर माटी के प्रति प्रेम जागा है तो सबसे पहला बात करवे कि आज माटी की बात होना चाहे। आज जरूरत पड़ते तो पार्टी भविष्य में बहुत सारा बनता है, तो जरूरत पड़ता है पार्टी छोड़े की बात होना चाहे, लेकिन माटी छोड़े की बात नहीं होना चाहिए। सबसे अच्छे निवेदन निर्मल दा के पंक्ति से प्रारंभ करवे कि सवाल बनकर फिर उठूंगा, जो बन पड़े सो जवाब रखना। सवाल बनकर फिर उठूंगा, जो बन पड़े सो जवाब रखना। मेरा खून बेकार ना जाए, मेरे खून का हिसाब रखना। आज झारखंड का बनल 21 साल भई गेलै, 21 साल बाद भी आज झारखंड अपन हक अधिकार ना पाएल है। बहुत सारा लोग कहते हैं कि एक से पहले तो नहीं आवाज कहा ना उठवा ला, 2004 में, 9 में, 14 में, आज 21 साल बाद कहा आवाज उठा रहा ला। तो हमें एक ही लाइन कहते रहिए, बेटा बाप से अधिकार कम मांगे गो जवान ना है जखन बेटा बिहार करे। बेटा बाप से अधिकार कखन मांगे जखन बेटा बिहार करे। अब बताओ बेटा बिहार कखन करे। ऐसे करेक्ट तो क्यों 16 साल में भी कर रहे, क्यों पकल मुड़ाओ कर रहा है 40 साल है, लेकिन कानूनी की लगा है 21 साल। आज झारखंड 21 साल के भाई गला है। आज अपन हक और अधिकार नहीं मांगते तो फिर कब मांगते। और एक बात, हम जहां हम जाते रहिए तो मीडिया सब फर्स्ट आज थोड़ा पूछ तो की बताओ आंदोलन के नेता क्या लगो। लाखों लाख लोग जमा भाई जाओ तो आंदोलन के नेता क्या लगे जानना चाहे, आज राजधानी के जानना चाहे ना, राजधानी लगे ना, रांची लगे ना, तो राजधानी के जानना चाहे कि आंदोलन के नेता क्या लगे। ये आंदोलन के नेता कोई पुरुष ना आई, नारी शक्ति लगे आंदोलन के नेता। ताली तो नहीं बजाए डाली, लेकिन पूछ ली कि आंदोलन के नेता इतना इतना पुरुष बैठा है और आंदोलन के नेता हमें महिला के कह दिलिये, काकी जेठी की लगे कह दिलिये, कारण की लगे पूछे चाहे ना, पूछे चाहे ना कि आंदोलन के नेता हम तोहनी के कहे कह लियो महिला सबके बताए रहा लियो। हमने गांव है जखन कोकरो घाट गिदर भेवा वाले छोटो गिदर बात के हमरा बुझा ना, तो बेटा छुआ भेल ओकरा की कहत रहा लिए हरवाहा, ठीक ना, बेटा छुआ भेल हरवाहा और बेटी छुआ भेल रोपनी, बात बराबर है ना। बेटा छुआ भेल हरवाहा, बेटी छुआ भेल रोपनी, तो तोहनी के जाने के चाहे और वहां का सिस्टम खत्म भई गेलो, कहा कि खेते ट्रैक्टर ढुक गेला हो और वहां के सिस्टम खत्म भई गेला हो, लेकिन रोपनी के सिस्टम जिंदा हो। सब खतरे कह लियो नेता तोहनी लागे, अभी बुझला बात थी, अभी बुझला ना, तो सब खतरे कह लियो कि नेता तोहनी लागे। आज आंदोलन की आवश्यकता कहा पड़ल कि भाई आज 21 साल बाद झारखंड के जमीन में फिर से आंदोलन कहा भर रहा है। तो अभी तो नहीं बहुत अच्छा से बुझ जेबी, अभी रूस और यूक्रेन के बीच विवाद चल रहा है, चलो है ना, तो क्या जाने की कोशिश कर ली। अगर ये विवाद भी ना थमता है तो रूस आज महाशक्ति लगे, यानी तीसरा वर्ल्ड वॉर भी बह सकल है, लेकिन रीजन की लगे, रीजन फिर माटी लगे। यूक्रेन और रूस में जो विवाद है अगर रीजन की लगे, कारण की लगे माटी। अब कहे कैसे ना, यूक्रेन नाटो के सदस्यता लेते, नाटो मैंने की नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, अटलांटिक के क्षेत्र में जितना देश आवा है अपनी एगो समूह बना ले। अगर यूक्रेन नाटो में चल जाए तो नाटो यूक्रेन के अपन हिस्सा में ले लेते, तो ओकर सीमा रूस के सीमा से लाग जेते, जब रूस के सीमा से लाग जेते तो यून फ्यूचर वो की करता है रूस के सीमा के भी कब्जा करे शुरू कर सकल है, इटा संभावना है। एहटे डर है आज रूस में यूक्रेन से युद्ध कर लगे, तो एकाए रहो हमारा तोर से आपत्ति ना हो, तो एकाए रहो यूक्रेन बन के रहो, तो अगर नाटो बन में तोर से लड़ाई करबो तो सही टाइप आज हमने साथ फैला हो। आज लगातार एखनी हमने के प्रयास कर रहा, हमने पहचान, हमने भाषा, हमने संस्कृति, हमने नियोजन सब मिटवे प्रयास कर रहा। अब कैसे थोड़ा सा टेक्निकल बात जाने हैं, तो आज इस सरकार बनल मोटा मोटी 2 साल भई गए, लेकिन आज जब सारा स्टूडेंट सड़क में है तखन एखनी वैकेंसी दे रहा, सारा स्टूडेंट पढ़े वाला किधर सड़क में है तखन एखनी वैकेंसी दे रहा, तो सीधा सा सवाल है वैकेंसी के लगाकर खाते वैकेंसी की लगाकर खातिर, स्टूडेंट तो सड़क में है, स्टूडेंट तो सड़क में है, तो वैकेंसी भाई ककर खातिर लगे, सीधा संदेश ही वैकेंसी बाहरी खातिर, सीधा संदेश वैकेंसी की लगो बाहरी खातिर। और एक बात, जब भी अगर विज्ञापन छपो
कोई भी वैकेंसी आओ और जो विज्ञापन छपो हो और लिखल रहते कि इस नौकरी में केवल झारखंड के लोग ही दावा कर सकते हैं, लेकिन जैसी ऑनलाइन करे जिमे रास्ता खुलल हो वहां लिखते कि क्या आप झारखंड के नागरिक हैं, कभी हाँ तो कहतो दे आवासीय टी दे, आवासीय बुझा है ना, आवासीय दे और रजिस्ट्रेशन नंबर दे, और जैसी कभी ना है फॉर्म फिलअप हो गए फॉर्म भराए गए तो बहुत साजिश के तहत हमने के मेटवे के प्रयास भर रहा और तुमने की सोचल है कि खाली नियोजन खाली नौकरी चाकरी बात करे कि मैंने छीन रहो, अब तो अखनी ऐसा प्लानिंग कर रहा कि अखनी विधानसभा ही निकल ले तो धीरे धीरे अखनी विधानसभा टारगेट कर रहा, अब कहे कैसे सिंदरी नाम सुना ले धनबाद ने वो सिंदरी नाम के विधानसभा है जकर विधायक अभी इंद्रजीत महतोल है अभी वो बीमार है, सिंदरी विधानसभा में 18,000 क्वार्टर जारी करल है 18,000 और में क्या जीते सब भरियन जीते जकर यहाँ और छोर खेत खरियान कुछ ना है जबरदस्ती तंबू गाड़ के है अखनी बहुत चालाक है अखनी बहुत चालाक है अखनी जाना है कि कोयला के क्षेत्र लगे आज है तो कल सरकार यहाँ के उठेते और तो पहले तंबू गाड़ दिलो, अब अखनी की कर तो 18,000 क्वार्टर दिलो, यदि एक क्वार्टर में पांचे गो लॉक रहते यदि एक क्वार्टर में पांचे गो लॉक रहते 18,590,000 एगो विधायक बनने खातिर 90,000 काफी है, एगो विधायक बनने खातिर 90,000 काफी है, एगो विधानसभा खत्म। सिंदरी के पड़ोसी लगे निरसा, निरसा में भी प्लानिंग चल रहा है, यानी धीरे धीरे बहुत ही नियम के तहत झारखंड की जो पहचान लगे उगला मेटाए के साजिश भई रहा है, लगातार साजिश भई रहा है, आज अगर झारखंड ना लड़ रहा है तो इन फ्यूचर लड़ा के भी हमने साहस ना कर पारवा, आने वाला दिन लड़ना भी हमने दुश्वार है जी, तो कहे कि आज अखनी ठीन हमने कुछ जानकारी हो, आज कम से कम हमने शहीद किया लगे हमने का अधिकार की लगे इगला हमने जाने हैं, लेकिन लगातार जखने प्रयास कर रहा है आने वाला दिन हमने जनरेशन जानबो नहीं करते कि हमने हक हमने का अधिकार की लगे। और एक बात ये माटी टी की हमने क्यों गिफ्ट में दिला की कहीं से क्यों हमने क्या तोहफा में थोड़ी दिला लाए कि माटी टी हमने पूर्वज में जोगाया गया है, अब कैसे से अब हम बात कहो हमने धनबाद और बोकारो बाटी कहावत हो उम्मीद करे कि रांची के लोगों को बुझ दीवा एगो कहावत है कहावत ना छोटे घरी जखन हमनी घरे कुछ काम ना कर हलिए और खाए ले मांग हलिए तो बोलो गिला नानी रो चाहे जेठी रो काकी रो अपने को गायर दे हले कमैना काढ़ा करे गेल हले की सुना ला काकी काढ़ा करे गेल हले की खाए ले मांगे है काढ़ा करे गेल हले की सुना ला ना तोनी सुना ला नहीं शब्द थी आ हम थोड़ा बताए दे हमें क्रिकेट खेले छोटा घर जा लिए जब खेल के आवा लिए रोदे रोदे तो नानी कहले नानी खाए ले दे तो तखन नानी गायर दे हले मारी भैया काढ़ा करे गेल हले तो हम कहली मारी भैया तो बुझलियो टेको गायर लगो लेकिन काढ़ा मने की लगो नानी बुझाओ हमर नानी हमरा बुझा ना पड़ले कि काढ़ा मने की लगे ओकर ससुर जिंदा हले 100 साल ओकर लगभग भई गेल हले वो बुढ़ाटे हमरा कहले कि आज से 100 साल 200 साल पहले हमारा जो पुरखा हलथिन अखनी घरे कुलूक लगा दे हले घरे कुलूक लगाए बाद चाल गिदा तक कोराई लेके घरे के काड़ा गिला के लेके और पॉन्टिन जा हले जनता ढेका पत्थर कांटा जंगल रह ले और कोरी कोरी के जोते निर करी के आवलिए 100% काड़ा कहल गेला है लगे ना। और आज कंपनी कहते आज उगर सरकार के माध्यम से नजर गड़े तो एक से एक मिला एक काम होना चाहे ताकि पुरखा में काढ़ा करी के जमीन गिला बचा के गेल है ऐसी ना हो छोटा नागपुर। हर वो कहावत हल सुन लबा कि जहां जहां तक पानी के सोत हुआ तक हमरा के जोत सुन ला जहां जहां तक पानी के सोत हुआ तक हमरा के जोत माने पुरखाएं जोती गेल है तब टाड़ गिला खेत गिला खरियान गिला बाचल है तो आज पुरखा के सम्मान के बचाना हमनी और तोहनी के जिम्मा रहलो ऐसे ना है क्यों मेहनत करल है क्यों बलिदान दे रहा है तब आज हमनी बीच गिला माटी टा बाचल है सहते के आज लड़ाई लगो। आज विनोद बिहारी मातो नाम से विश्वविद्यालय बन रहे धनबाद और बोकारो के हुआ गिदर 10 किलोमीटर पैदल यात्रा कर ले और कहले कि विनोद बाबू के मायक भाषा कुड़माली लगे तो तुम कुड़माली पढ़ाओ संगे संगे संताली पढ़ाओ खोटा पढ़ाओ ईटा क्योंकि लोकल विश्वविद्यालय हिया है तो हिया गिदर मांग करो तो कुड़माली संताली पढ़ाओ लेकिन आज तक मांग पूरा ना भले लेकिन तोहनी के जानकारी होना चाहिए हिया बगल में जमशेदपुर में एगो पटमदा कॉलेज है हुआ मैथिली पढ़े वाला मैथिली माने बोरो भाषा सीधा बात मैथिली यानी बाहरी भाषा मात्र 8 स्टूडेंट है पढ़े वाला और विभाग में 4 साल 4,37,00,000 खर्चा कर दिले
आठ गो स्टूडेंट के पटमदा कॉलेज में मैथिली पढ़े वाला मात्र आठ गो स्टूडेंट है। तो सोचे है तो समझे है तो आज कितना प्लानिंग के साथ यानी हमने पहचान में टाइप प्रयास कर रहा हूं बहुत प्लानिंग के साथ आठ गो अखनी पढ़े वाला है। और कौन कुरमाली संथाली कर यहां कोटा कर यहां आठ गुना है 8000 स्टूडेंट है। लेकिन अखनियो जानो हो कि जन दिन झारखंड एक लोक झारखंड एक भाषाएं पढ़े लगतो झारखंड एक भाषाएं लिखे लगतो तो अखनी के तो हरवे पार्वे नहीं तो ना तो भाषाएं लिखे दे तो ना तो भाषाएं पढ़े दे तो ना तो आगू बढ़े दे तो। विनोद बाबू के कोई साथी अगर हो ना तो ओकरा पूछिया विनोद बाबू हमेशा कह आलै कि झारखंड तो दो दिन अलग कर देवो तो आज को हमें दो दिन झारखंड अलग कर देवो। लेकिन एक बात बताओ झारखंड चले तो के झारखंड तो हमें दो दिन अलग कर देवो लेकिन एक बात बताओ झारखंड चले तो के कह के तोर लोकवा ना आओ विधायक तो बन जे तो विधायक तो नहीं बन जेबे कह के तोर लोग वोट दिए पड़तो। लेकिन कई गो तो पढ़ल लिखल है कई गो तोर जज आओ कई गो तोर वकील आओ कई गो तोर कलेक्टर आओ चले तो के झारखंड का आज भी होते है आज भी होते चल रहा है चले तो के झारखंड का। विनोद बाबू रांची दिखे जाना ना ऐसा तो नहीं ना कि विनोद बाबू धनबाद बोकारो में रह गए गोटे झारखंड जाना है तो विनोद बाबू एगो लाइन कह लाल पढ़ो और लड़ो सुना लबा पढ़ो और लड़ो कह लाल गिधर पढ़े खूब पढ़ला बेटा छो भी पढ़ला और बेटी छो भी लेकिन जखन लड़क बारी अले मुर्गा लड़ेल तो सच्चाई लगा है बहुत नुकसान भला इगला में आज बहुत नुकसान हमने भला है कारण हटे कि हमने कभी पढ़े में ध्यान ना दली हमने लड़ले तो गलत जगह में लड़ले भाई भाई में एक बित्ता जमीन खातिर लड़ गए गोतनी गोतनी गहना खातिर लड़ गए तो विनोद बाबू ही लड़ाई टी नहीं कह लल विनोद बाबू ही कह लल जखन माटी रोटी बेटी जखन भाषा संस्कृति जखन अस्मिता पे संकट है तो तखन लड़ना हो आज खातिर कह लल विनोद बाबू कि तोरा आज लड़ना हो। हमने देश के एक बहुत बड़ा महान विभूति जयपाल सिंह मुंडा में वो लाइन कह लल जयपाल सिंह मुंडा के जाना है ना एकमात्र ऐसे तो बहुत सारा हलती आदिवासी संसद में लेकिन एकमात्र आवाज अलग जो पूरा संसद की हिलाई कर रखा लो एक लाइन कह रहा है अध्यक्ष महोदय आप जिसे विकास कहते हैं वो आदिवासियों के लिए कब्र साबित होगा आज भी कब्र साबित हुआ कैसे आपने विकास कहा डैम को आपने विकास कहा कोलियरी को लेकिन विस्थापन कौन हुआ आदिवासी मूलवासी आपने क्या कहा कि चांडिल डैम बना दिया विकास हुआ लेकिन मेरा हजारों घर बेघर हुआ वो मेरे लिए कब्र साबित हुआ। 70 साल पहले जयपाल सिंह मुंडा ने कहा था कि आप जिसे विकास कहते हैं वो हमारे लिए कब्रगाह साबित होगा आज वही दर्द औटे दर्द लगो। और एक बात हम हमेशा अपने भाषण में कहते हैं कि हमको किसी व्यक्ति से भेद नहीं है वो बिहार का रहे चाहे यूपी का रहे चाहे बंगाल का हम अपने राज्य में आपकी भाषाओं को मान्यता नहीं देंगे क्योंकि राज्य मेरे लिए बना है। हमारे भी 12 लाख लोग कोरोना काल में 12 लाख लोग कोई तमिलनाडु से कोई महाराष्ट्र से वापस आया क्या हमार भाषा हुआ है जब नहीं तो झारखंड चारागाह का है झारखंड चारागाह का है यह सरकार को बताना होगा। आज तमाम विधायकों से इस सत्र में केवल यही बात करनी होगी कि झारखंडी कौन है पहचान कीजिए फोकट में नहीं मिला है झारखंड 88,000 लाखों शहादत के बाद झारखंड मिला है। लोग कहते हैं ना भाई भाई अरे भाई 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 का मतलब है पंजाब और हरियाणा का बंटवारा हरियाणा ने अलग राज्य मांगा पंजाब ने दे दिया भाई भाई का मतलब होता है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बंटवारा छत्तीसगढ़ ने अलग राज्य मांगा मध्य प्रदेश ने दे दिया झारखंड और बिहार भाई भाई अगर कहते हैं तो आप लोग मूर्ख नहीं महामूर्ख हैं क्योंकि हमने 88 साल लड़ा है भाई भाई की बात नहीं कीजिएगा। एक गुलाम और मालिक की बात कीजिए हमने 88 साल लड़ा है भाई भाई वो नहीं होता है एक भाई अधिकार मांगे दूसरा दे दे उसे भाई भाई कहते हैं यहाँ भाई भाई जैसी कोई बात नहीं है। फिर भी हम सबका सम्मान करते हैं हमने सबका सम्मान किया है
कैसे से कह देबो? एगो भीख मांगे वाला के कहिया तुम भीख मांगे तो दुकान चल जो कोई व्यापारी हिया वो डुबी देते कथी देते डुबी बुझा ना कटोरी हाँ डुबी भीख देते सेहो गाड़ दे के गाय दे के भीख देता है। अगर कहीं ना कि झारखंड में कोई गांव जो चाहे आदिवासी कुर्मी कोकरो गांव जो वो सुपरा देता है, वो भेटता सुपरा देता है। और सुप मने की सुप मने की कि अरे भीख मांगे वाला तो हूं भरल रही है तोरो कुछ ना घटते हमरो कुछ ना घटते सेटा लगे सुप के मने तो हमें तो सुप के लेके चल लिए हमें तो सुप के लेके चल लिए। अब एक मने की हमारे घर से हम तो भगे थे मैंने झारखंड सोप के महाराष्ट्र लगे मराठी खातिर गुजरात लगे गुजराती खातिर बंगाल लगे बंगाली खातिर बिहार लगे बिहारी खातिर और झारखंड सोप के की नहीं ना देखो गांव कहावत वाला है बुझवा खासकर माई काकी जेठी गिला कि ललवाग बहु सबके भोजी सुना ना कि ललवाग बहु भैंसुरोग भोजी ससुरोग भोजी तो अब नहीं वो लेहा लगे चाहे सियान लगाए जकर भोजी तकरे भोजी संगे झारखंड जकर लगे ओकरे झारखंड सबके ठिकाना ले लाइए। लोग बहुत सारे लोग कहते हैं लोग संविधान की बात करते हैं अनुच्छेद 19(6) का हवाला देते हैं कि अनुच्छेद 19(6) में लिखा है कोई कहीं भी जाके रह सकता है व्यापार कर सकता है कमा सकता है खा सकता है। लोग कहते हैं थोड़ा दो चार गो पढ़ा लिखा लोग बोलता है कि तुम लोग झारखंड बिहार यूपी बंगाल में काहे भेद कर रहा है कोई कहीं भी रह सकता है। तो उन लोगों को सीधा संदेश देंगे आप थोड़ा सा पन्ना संविधान का और पलटिए 19 में काहे अटके हैं उसमें 395 तक है तो आप 371 में जाइए आप संविधान का अनुच्छेद 371 ए में जाइए वहां स्पष्ट लिखा है नागालैंड नागाओं का होगा किसी के बाप का नहीं होगा। 371 ए में स्पष्ट है कि नागालैंड में कोई बाहरी व्यक्ति जमीन नहीं ले सकता है। 371 बी असम के लिए ऐसने करते करते तोड़ जाए के 10 गो आर्टिकल है जकर में वो राज्य में क्यों जमीन तक फिक्स नहीं ले सकल है। यहां तक कानून है कि अगर विधानसभा से पूछ के ओकरा कानून बनवे पे यही नहीं भारत एक संवैधानिक देश लगे जे संविधान के उल्लंघन करते वो की कह लेते देशद्रोही गद्दार कह लेते ना। तो अब तो हम लोग सीएनटी का बात करेंगे कि सीएनटी का जिसने भी उल्लंघन किया है वो आईएएस रहे आईपीएस रहे चाहे मिनिस्टर रहे चाहे जज रहे वो देशद्रोही है वो गद्दार है क्योंकि संविधान अनुसूची 9-12 अनुसूची है अनुसूची में परिवर्तन करने का साहस सब में नहीं है उसके लिए बहुत बड़का प्रक्रिया है। 12 अनुसूची में एक अनुसूची है 9 जिसमें भूमि का कानून है कानून 284 गो है कानून 284 गो है जकर में जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तेलंगाना जितना राज्य जितना केंद्र शासित राज्य है सब के जिक्र है जकर में कानून नंबर 209 है अकर में कानून नंबर 209 है और 209 कानून की गए पता हो 46, 47, 48, 49 सीएनटी कानून लगाए 71 ABC 240, 41, 42 इसलिए सीएनटी कानून अनुसूची 9 में है जकर में 46 कह रहा है कि एक आदिवासी ST SC OBC का जमीन उसी का कौम का आदमी खरीद सकता है। तो आप बताइए रांची में आदिवासी का जमीन गैर आदिवासी कैसे खरीदा? अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।